हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दियां आ चुकी हैं और मौसम आ गया है गर्मा गर्म गाजर के हलवा को खाने का। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल हलवाई की तरह गाजर का हलवा बनाना घर पर ही बताऊंगी। आप बहुत ही आसानी से गाजर का हलवा बना सकती हैं। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को ये बनाना ना आता हो, आप में से बहुत सी बहनों को गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनाना आता होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अभी जो न्यू बिगनर्स हैं जिनको गाजर का हलवा नहीं बनाना आता है, तो आज मैं उनके लिए भी ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही बढ़िया गाजर का हलवा टेस्टी बनाकर बताने वाली हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटे का निशान है जो उसे भी दबा दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, इस रेसिपी को बनाना हम सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 किलो गाजर ली हैं। गाजर आपको हलवा के लिए बढ़िया मोटे साइज की लेनी है, बिल्कुल लाल कलर की लेनी है। अगर गाजर मीठी होगी बढ़िया तो अच्छा हलवा बनेगा, चीनी भी कम लगेगी। और एक गाजर आती है बिल्कुल लाइट शेड में आती है, उससे हलवा इतना अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ मैंने 2 किलो गाजर ली है जिसको मैं धो करके अच्छे से छील लूँगी। तो चलिए अब हम इसको धो लेते हैं और छील लेते हैं। तो मैंने सभी गाजरों को छील लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्यारा सा कलर आया है। तो अब हम इन गाजरों को कद्दूकस की मदद से कद्दूकस कर लेंगे। आपको लेकिन याद रखना है कि कद्दूकस करने के बाद आपको गाजर का जो पानी है वो नहीं निकालना है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो कद्दूकस करने के बाद गाजर का सारा पानी निकाल देते हैं, रस निकाल देते हैं, जबकि वो बहुत ही फ़ायदा करता है। तो आप उसका रस मत निकालिएगा, उसमें बहुत अच्छे विटामिन पाए जाते हैं, तो इसलिए आप इस तरह से कद्दूकस कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी दूध, और दूध में हमने पूरी मलाई भी ले ली है, जितना आपकी मलाई सहित कुछ दूध आपको ले लेना है। और जो दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर लिया है वो है थोड़ी सा शुद्ध घी, और यहाँ पर हमने थोड़ी सा लिया है मावा। अगर आपके यहाँ मावा नहीं है तो आप मलाई और दूध डाल करके ही अच्छा सा हलवा बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे यहाँ मावा है तो मैं मावा को भी इसमें डालूँगी। तो मावा को आपको कद्दूकस की मदद से अच्छे से घिस लेना है। अगर आपका मावा बिल्कुल सॉफ्ट है, मुलायम है, तो आप हाथों से मसल लें, लेकिन कद्दूकस से एकसार हो जाता है और बाद में जो हम डेकोरेट करेंगे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है, उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। अगर आप हाथों से मसल लेते हैं तो उसमें गुठलियाँ पड़ती हैं, केवल ताजे कोए को भी हम ऐसे मसल सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच शुद्ध घी। अभी आपको घी ज़्यादा नहीं डालना है, अभी आपको कम ही घी डालना है। अब हम घी को अच्छे थोड़ी सा गर्म होने देंगे, मेल्ट होने देंगे। तो ये हमारा घी जो है मेल्ट होने लगा है, तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने गाजर कद्दूकस करके रखी थी उसे। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ी से घी में ही गाजर को भूनना है। घी आप हमेशा जब हलवा आपका कंप्लीट लगभग हो जाए तब आप ऊपर से डाला करें, तो वो घी दिखलाई देता है, फ़ायदा भी करता है। अभी आप चाहे जितना घी डाल लेंगे वो दिखलाई नहीं देगा और हलवा भी बढ़िया देखने में नहीं लगेगा। तो अब हमने यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल दिया है, तो अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। तो आपको काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और आपको अभी फ़िलहाल तो तेज़ आंच करनी है क्योंकि अभी इसमें पानी है, इसलिए जलने का कोई डर नहीं है। तो आप तेज़ आंच में इसको अच्छे से मिक्स करें, और अभी आप देख सकते हैं कि आपकी कढ़ाई काफ़ी भरी है, लेकिन अभी ये धीरे धीरे बिल्कुल बैठ जाएगा और कढ़ाई भी आपकी खाली हो जाएगी। तो अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसको मैश करने में। तो ये हमारा जो गाजर है, करीब करीब आपको 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है, ताकि ये अच्छे से कलर जाए, नीचे की तरफ हो जाए। तो अभी तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है कढ़ाई में बनाने में, लगभग पूरा 30 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन कढ़ाई में जो गाजर का हलवा बनता है उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो जो हलवाई होती है शादियों में, वो भी बड़ी बड़ी उनकी कढ़ाई रखी रहती हैं, उसमें ही हलवा बनाते हैं, तो वो अलग ही टेस्ट का आता है। और दूसरा तरीका भी होता है हलवा बनाने का, वो काफ़ी ईजी बन जाता है, बहुत जल्दी 10 मिनट में ही बन जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें भी आपको बताऊँगी।
तो ये हमने लगभग 1-1.5 मिनट इसको अच्छे से चला लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप थोड़ा कम ही डालें क्योंकि गाजर वैसे भी मीठी होती है, तो इसलिए चीनी आप कम डालें। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आपको चीनी शुरुआत में ही डाल देनी है क्योंकि चीनी जो है वो पानी छोड़ देती है। चीनी की वजह से गाजर गीली हो जाएगी, शीरा जो होता है मेल्ट हो जाती है चीनी, तो गाजर को जो पकने में आसानी होती है। अगर आप शुरू में चीनी नहीं डालते हैं, बाद में डालते हैं, तो बाद में हलवा जो है बिल्कुल फिर से गीला हो जाएगा और आपको उतना ही टाइम वेस्ट होगा और हलवा को बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा। तो हम शुरुआती समय में ही चीनी को डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी आपको गैस को फुल तेज पर आँच पर ही रखना है। अब हम इसको एक ढक्कन की मदद से ढक देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि कई लोग कहते हैं ढक्कन के ढकने से गाजर का जो कलर चला जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ढक्कन के ढकने से आपका हलवा बहुत जल्दी बन जाता है, गाजर पक जाती है। तो हम एक बार इसको और चला करके देख लेते हैं। तो देखिए, चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है और चीनी ने पानी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको हम गैस अपनी मीडियम फ्लेम पर कर देंगे, इसको एक बार और चला देंगे ताकि हमारी एक सार हो जाए, कहीं चीनी रह गई हो तो वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चीनी हमारी पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसको एक बार और ढक्कन की मदद से ढक देंगे और करीब धीमी आंच में करीब 4 से 5 मिनट तक और पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो हम एक बार इसको किनारे किनारे पर कर देते हैं और बीच में जो हमने चीनी का रस निकला है इसको हम बीच में कर देते हैं ताकि अब हमारी बारी है, जो रस है ये अच्छे से धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। तो अब आपकी बारी आती है, इसको काफ़ी देर तक आपको पकाना होगा, इसमें भी काफ़ी रस है। तो आपको अब मीडियम फ्लेम पर इतनी देर लगेगी आपको पकाना है जब तक कि सारा जो चीनी का रस है ये ख़त्म ना हो जाए। तो धीरे धीरे आप इसको पकाते जाइए और बीच बीच में चलाते जाइए। तो लगभग हमारा रस है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, थोड़ी सा बचा है। तो अब हम इसी बीच में डाल देंगे जो हमने दूध और मलाई ली थी उसको। इस समय इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये गाजर के साथ मिक्स होके एक मावा का ही फ्लेवर देने लगे, इसलिए हम अभी यहाँ पर ही डाल रहे हैं। आपको एकदम आखिरी में नहीं, थोड़ी समय पहले ही डालना है ताकि ये रबड़ी के फॉर्म में आ जाएगी, तो इससे एक अलग ही टेस्ट आता है। तो हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी भी लेकिन बहुत इसमें रस है, अभी पानी है इसका, तो इसका पूरा अच्छे से निकल जाना चाहिए। तो आपको करीब करीब 5 से 10 मिनट तक इसको और पकाना है, बीच बीच में चलाते रहिएगा वरना लगने का डर रहता है, जब तक ये पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि गाजर का जो पानी है सारा ख़त्म हो चुका है और गाजर भी हमारी लगभग पक चुकी है, बढ़िया सा हलवा बनकर। अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है लेकिन लगभग हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मावा अपना कद्दूकस करके रखा था उसे। मावा को आपको बिल्कुल आखिरी में डालना है क्योंकि मावा ऑलरेडी पहले से ही पका हुआ है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल अभी हम थोड़ी सा घी और मावा दोनों को साथ में ऐड करेंगे। तो हम देखिए बिल्कुल आखिरी में जो शुद्ध घी है वो डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच शुद्ध घी और डाल देंगे और हम थोड़ी सा डालेंगे मावा। कुछ मावा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकती हैं, काजू बादाम, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे खाते हैं तो उन्हें ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, तो हम लोग ऊपर से सर्व करते समय डाल लेते हैं। तो हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हमारा जो अच्छे से अगर मावा जब मिक्स हो जाएगा आपका, तो समझ लीजिए कि आपका गाजर का हलवा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि अब मावा बिल्कुल मेल्ट सा हो जाए, इसमें मिल जाए, मावा का टेस्ट आने लगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपका गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ढकने से बिल्कुल भी कलर कम नहीं हुआ है ना बिल्कुल डाउन हुआ है, बहुत अच्छा इसका कलर आया है। तो हम इसको अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम बढ़िया इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो कितना अच्छा कलर आया है गाजर का, बहुत ही खाने में टेस्टी भी बिल्कुल लगेगा। ये कढ़ाई में देर जरूर लगी लेकिन बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बन करके रेडी हो गया है। तो हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब बारी आती है गार्निशिंग की। तो हम ऊपर से कुछ मावा डाल करके इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। तो जब ये ठंडा हो जाए
जब भी आपका मन करे तो आप एक अलग से कढ़ाई में या किसी हत्ते में थोड़ी सा हलवा गरम कर लें, गर्मा गर्म हलवा खाएं। सर्दियों में गर्मा गर्म हलवा का मज़ा ही कुछ और होता है। तो फ्रेंड्स बढ़िया हमारा हलवाई जैसा गाजर का हलवा बनकर के रेडी हुआ है। कई लोग उबाल कर बनाते हैं या कुकर में बनाते हैं, लेकिन उससे इतना अच्छा टेस्टी हलवा नहीं बनता है जितना कि ये बनता है। ये बिल्कुल देसी तरीका है जो हमारी दादी नानी मम्मी लोग बनाती हैं, ये सेम वही तरीका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।